नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस पाटिल ने दावा किया है कि जल्द ही भारत में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होगा। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द लोग पीएम मोदी के घर पर धावा बोलेंगे और उन्हें शेख हसीना के जैसे भागने पर मजबूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। बता दें कि इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कहा था कि बांग्लादेश देश जैसी स्थिति भारत में भी होने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे, वैसे ही भारत में भी बंद हैं। यहां भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जनता में इसे लेकर काफी गुस्सा है। जल्द ही हसीना जैसा हाल प्रधानमंत्री मोदी का भी होने वाला है और ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 5 अगस्त को पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के उग्र होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना पद छोड़कर भारत भाग गई थी। फिलहाल वह यूपी के गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रह रही है। वहीं बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। यूनुस 15 लोगों के साथ केयर टेकर सरकार चला रही हैं। लेकिन इसी बीच भारत से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस पाटिल ने दावा किया है कि जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हालात हुए थे, उसी प्रकार अब दोस्तों भारत के अंदर भी ऐसे ही हाल होने वाले हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी के घर पर धावा बोलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को खदेड़ेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में बवाल मच गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आप सभी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।